हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार, आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे यूपी टीएचटी पीएचटी एलटी ग्रेड का पार्ट 5, जिसके अंतर्गत देखेंगे उन तमाम चुनिंदा प्रश्नों को जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जो भी कैंडिडेट्स यूपी टीएचटी पीएचटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से मेरा एक निवेदन है कि इस सीरीज के अंतर्गत कराए गए उन समस्त पार्ट को अवश्य अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये दोस्तों वही सीरीज है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में एक अहम रोल प्ले करेगी। इस सीरीज की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है जो कि आपको इसी चैनल के YouTube चैनल पर, इसी एग्री नॉलेज प्लस चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी, जहां से आप लोग इसके अन्य पार्ट जो हो चुके हैं वो देख सकते हैं। आप अवश्य बन सकते हैं टीजी पीजी एलटी ग्रेड शिक्षक एग्री नॉलेज प्लस के साथ। लक्ष्य रखा गया 115 प्लस स्कोर करने का, साकार करना है सपना शिक्षक बनने का। आइए दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की शानदार और जानदार क्लास का पहला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। गेहूं में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? 10:12:1, 10:1, 80:1, 4:9:1। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जो होता है वो मृदा का एक महत्वपूर्ण गुण होता है, क्योंकि कार्बन जो होता है ये मृदा को ऊर्जा प्रदान करता है। वहीं पे नाइट्रोजन, तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि नाइट्रोजन पौधों का एक मुख्य पोषक तत्व होता है, तो इन दोनों का मृदा में होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है गेहूं में वो कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी होगा। गेहूं में कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जो होता है वो 80:1 होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं पर बात कर ली जाए, सामान्यतः मृदा में जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है वो होता है 10:12:1, 10:1 या 12:1 होता है ये, जो कि सामान्य मृदा में पाया जाता है। वहीं पे ह्यूमस की बात कर ली जाए, ह्यूमस में कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो जो होता है ये 10:1 होता है, और कवक जो होती है, कवक में भी कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 10:1 होता है। इसके अलावा जो सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव, इनमें जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है 4:9:1 तक होता है, तो ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और है दोस्तों, जो सामान्यतः क्या होता है दोस्तों, मृदा में कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जो होता है ये स्थिर रहता है, यानी कि ये बदलता नहीं है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बकरी के झुंड को क्या कहते हैं? हर्ड, फ्लॉक, स्टॉक या ट्रिप? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपके टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। बकरी के झुंड को क्या कहते हैं? हर्ड, फ्लॉक, स्टॉक या ट्रिप? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर होगा डी, ट्रिप। बकरी के झुंड को ट्रिप कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिप कहते हैं। वहीं पर गाय भैंस सुअर के झुंड को क्या कहते हैं? हर्ड। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और भेड़, मुर्गी, टर्की के झुंड को फ्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लॉक।
बकरी के झुंड को ट्रिप, गाय भैंस और सुअर के झुंड को हर्ड, भेड़ मुर्गी टर्की के झुंड को क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। आइए इसके साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिप। तरल विष प्रलोभिका किसके नियंत्रण के लिए प्रयोग की जाती, कटुआ कीट यानी कि कटवार्म, दीमक, टर्माइट, फल चूसक स्लब या तिलचट्टा। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फल चूसक स्लब यानी कि जो मौत होते हैं ये फलों का रस चूस लेते हैं, जिससे कि फलों पर क्या पड़ जाते हैं दोस्तों, ब्लैक कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए तरल विष प्रलोभिका का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि फल चूसक स्लब। ठीक है, फल चूसक स्लब इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी, फल चूसक स्लब के नियंत्रण के लिए तरल विष प्रलोभिका का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति कौन सी है, T28, चित्रा, कौशल, चंद्रा। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जो इसकी वैरायटियां होती हैं दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है फैलने वाली, दूसरी होती है गुच्छेदार। फैलने वाली भी कुछ वैरायटियां ऐसी होती हैं जो कि पूर्णतः फैलती हैं, कुछ होती हैं मतलब उनमें अर्ध फैलाव पाया जाता है। इसी प्रकार जो गुच्छे वाली होती हैं, कुछ तो ऐसी प्रजातियाँ होती हैं मूँगफली की जो कि पूर्णतः फैलती हैं और कुछ में क्या होता है, कुछ कम मात्रा में फैलाव होता है। तो आइए हम बात करते हैं T28 की और चित्रा की, कौशल की, चंद्रा की। इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोगों को हम बता दें, मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति कौन सी है, कौशल है। सबसे पहले आप लोग राइट आंसर देख लीजिए क्या है, कौशल है। आप T28 की बात करते हैं, T28 जो वैरायटी है मूंगफली की, ये फैलने वाली मूंगफली की प्रजाति है, ये फैलने वाली, फैलने वाली प्रजाति है। चित्रा की बात करें, चित्रा वैरायटी जो है इसे MA10 के नाम से भी जाना जाता है, MA10। ये अर्ध प्रसारित यानी कि अर्ध फैलाव वाली, ये अर्ध प्रसारित प्रजाति है। ठीक है, वहीं पे चंद्रा जिसे AH114 के नाम से जाना जाता है, ये अर्ध गुच्छेदार प्रजाति है। कौन सी है, ये अर्ध गुच्छेदार प्रजाति है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मूंगफली गुच्छेदार प्रजाति कौन सी, कौशल है। T28 जो है ये फैलने वाली प्रजाति है, चित्रा जो है ये अर्ध फैलाव वाली प्रजाति है, वहीं पे चंद्रा AH इसे 114 के नाम से भी जाना जाता है, ये अर्ध गुच्छेदार प्रजाति है। तो आप सभी ध्यान रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का, आलू, गन्ना, गन्ना फसल चक्र की सही अवधि क्या है, मतलब इसके फसल चक्र की अवधि आप लोग बतानी है, एक वर्षीय फसल चक्र है कि द्विवर्षीय है कि त्रिवर्षीय है या फोर वर्षीय है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गन्ना जो होता है ये लंबी अवधि की एक फसल होती है, वहीं पे आलू मक्का की बात कर ली जाए तो ये एक वर्षीय हो जाएगा और दूसरा गन्ना है, तो यानी कि ये जो फसल चक्र हो जाएगा वो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, द्विवर्षीय फसल चक्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ये द्विवर्षीय फसल चक्र होगा। वहीं पे फसल चक्र सघनता की बात करें, CRI, इसके लिए CRI क्या होगा, ऊपर क्या होता है दोस्तों, फसल चक्र में फसलों की संख्या, तो फसलों की संख्या कितनी है, 3 है। नीचे क्या होता है, फसल चक्र के वर्ष 2 हैं और मल्टीप्लाई में क्या होता है, 100 होता है, तो कितना हो जाएगा, 300/2 यानी कि 150%। इसका जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 150 यानी कि 150%।
और ये फसल चक्र की अवधि क्या होगी? द्विवर्षीय। आप लोग ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरझान बिंदु पर पीएफ होता है 3.5, 4.18, 4.5, 5.0। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, 4.18। एक्चुअली जो मुरझान बिंदु होता है ये होता है 4.2। क्या होता है? 4.2 होता है। जब मृदा जो दोस्तों सूख जाती है और पौधे बिल्कुल जल प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उस समय पौधों में क्या होता है? मुरझान बिंदु देखने को मिलता है। और ये मुरझान बिंदु की वैल्यू जो होती है, विल्टिंग पॉइंट होता है, ये कितना होता है? 4.2 के इक्वल होता है, जो कि 15 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, जो कि 15 वायुमंडलीय दाब के जो कि 15 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। और जिस समय पौधा दोस्तों पूर्णतः सूख जाता है और उस समय जो मृदा में नमी का जो प्रतिशत बचता है उसी को मुरझान गुणांक के नाम से जाना जाता है। जब पौधा पूर्णतः सूख जाता है उस समय जब मृदा में नमी मापी जाती है, उस नमी का जो प्रतिशत होता है उसी को मुरझान गुणांक या क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट, पौधे के सूख जाने के बाद मृदा में जो नमी का परसेंटेज बचता है उसी को क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट या मुरझान गुणांक के नाम से, विल्टिंग कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4.18। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम हो तो संपन्न होने वाली कृषि पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? शुष्क खेती, शुष्क भूमि खेती, शुष्क खेती यानी कि ड्राई फार्मिंग, शुष्क भूमि खेती ड्राई लैंड फार्मिंग, वर्षा अधीन खेती यानी कि रेनफेड फार्मिंग, या उपरयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा शुष्क खेती। जब वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती है तो क्या होती है? शुष्क फार्मिंग यानी कि ड्राई फार्मिंग। वहीं पे जो वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से 1150 मिलीमीटर तक होती है तो ये कौन सी खेती होती है इसमें दोस्तों? ड्राई लैंड फार्मिंग। ठीक है, और वहीं पे यदि वार्षिक वर्षा 1150 मिलीमीटर से अधिक होती है तो कौन सी फार्मिंग होती है? ये रेनफेड फार्मिंग के नाम से जानी जाती है। रेनफेड फार्मिंग यानी कि वर्षा आधारित खेती यानी वर्षा प्रधान खेती। ठीक है, जब वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती है तो ड्राई फार्मिंग होती है, और जब वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से लेकर 1150 मिलीमीटर के बीच में होती है तो इसे ड्राई लैंड फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। वहीं पर यदि वार्षिक वर्षा 1150 मिलीमीटर से अधिक होती है तो इसे रेनफेड फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में ट्रैप फसल कौन सी है? सनई, भिंडी, मक्का, बाजरा। दोस्तों ट्रैप फसलें कौन सी होती हैं? वे फसलें जो मुख्य फसलों को विभिन्न कीटों और रोगों से रक्षा करती हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? ट्रैप क्रॉप के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, जब मुख्य क्रॉप के किनारे पर दूसरी क्रॉप लगा दी जाती है जो कि
उस क्रॉप को प्रभावित करने वाले कीटों को आकर्षित करती है, उसी को ट्रैप क्रॉप के नाम से जाना जाता है। कपास के जो जब दोस्तों कपास की खेती की जाती है तो कपास के खेत के चारों ओर भिंडी के पौधे लगा दिए जाते हैं, जिससे कि जो रेड काटन बग होता है वो आकर्षित हो जाता है किसकी ओर, भिंडी की ओर, और जिससे कि मुख्य फसल को हानि कम होती है। तो इस प्रकार से मुख्य फसल को बचाने के लिए जो मुख्य फसल के चारों ओर क्रॉप लगाई जाती है दोस्तों, उसी को क्या कहते हैं, ट्रैप क्रॉप के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से कौन सी है, भिंडी। भिंडी को कपास के चारों ओर काटन रेड बग से रक्षा के लिए लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिंडी। ओके, क्या हो जाएगा, भिंडी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पौधों में वृद्धि को मापा जा सकता है ऑक्सीनोमीटर, साधारण सूक्ष्मदर्शी, कैलोरीमीटर या पोटोमीटर। आप लोग दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, किसके द्वारा मापा जाता है, आप लोग बताएंगे पौधों में वृद्धि को किसके द्वारा मापा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीनोमीटर। क्या होगा, ऑक्सीनोमीटर के द्वारा पौधों की वृद्धि को मापा जाता है, ठीक है। और कैलोरीमीटर जो होता है दोस्तों, कैलोरीमीटर के द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। वहीं पे पोटोमीटर की दोस्तों बात कर लें, पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर को मापा जाता है, वाष्पोत्सर्जन की दर को पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पशुओं में छूत की बीमारी निम्न से कौन सी है, घेंघा है, दुग्ध ज्वर है, टिटनेस है या खुरपका मुखपका रोग है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, जी हाँ इसका राइट आंसर होगा FMD यानी कि खुरपका मुखपका डिजीज, FMD फूड एंड माउथ डिजीज। इसके अतिरिक्त और भी होती हैं रिंडर पेस्ट, जैसे कि रिंडर पेस्ट, रिंडर पेस्ट इसे पोकनी के नाम से जाना जाता है, और इसके अतिरिक्त और बीमारियों से ब्लू टंग डिजीज, ब्लू टंग डिजीज जो होती है ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है। ये तीनों बीमारियां FMD है, रिंडर पेस्ट है, ब्लू टंग डिजीज है, ये सभी किससे होती हैं, वायरस जनित बीमारियां हैं, जिसमें से FMD जो होती है ये सभी पालतू जानवरों में देखने को मिलती है घोड़े को छोड़कर, और रिंडर पेस्ट बीमारी जो है पोगनी डिजीज ये मुख्यतः भेड़ों में देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त ये अन्य पशुओं जैसे गाय, भैंस और सुअर में भी देखने को मिलती है। ब्लू टंग डिजीज की बात कर लें तो ब्लू टंग डिजीज जो होती है दोस्तों ये भी लगभग में सभी पशुओं में देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त जो जीवाणु जनित बीमारियाँ होती हैं यानी कि बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, जैसे थनैला, गलघोटू, एंथ्रेक्स, और ब्लैक क्वार्टर, ब्लैक क्वार्टर ये सभी जीवाणु जनित बीमारियां हैं। कैसी हैं, जीवाणु जनित बीमारी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुरपका मुखपका यानी कि FMD। ये रोगी पशुओं के संपर्क में आने से स्वस्थ पशु को भी ये रोग हो जाता है, और इस रोग का प्रकोप मुख्यतः वर्षा ऋतु में देखने को मिलता है। रबी की फसलों के विकास के लिए अनुकूलतम तापक्रम क्या होगा, 16 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 26 यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, एक मिनट, सोलह से 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा,
रबी की फसलों की बात की गई है दोस्तों। यहाँ पर रबी की फसलों के विकास के लिए जो तापक्रम होता है, अनुकूलतम तापक्रम क्या होगा, इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा बी, 16 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअली जो रबी सीजन की क्रॉप होती हैं उनके लिए न्यूनतम तापक्रम जो होता है 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जब टेम्परेचर आ जाता है तो इन फसलों का विकास रुक जाता है। वहीं पर इनके लिए उपयुक्त तापक्रम जो होता है 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अधिकतम टेम्परेचर की बात कर लें तो ये 31 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब में पाया जाता है। लेकिन कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं जिसमें टेम्परेचर अधिक होने पर उनकी उपज पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल है गेहूं, गेहूं में यदि उनके पकते समय यानी कि जब वो परिपक्व होने लगते हैं उस समय यदि टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो गेहूं की फसल को काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। उसी का एग्जाम्पल था अब की बार गेहूँ की पैदावार में दोस्तों काफ़ी कमी देखने को मिली है, और उसका कारण जो साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया है वो क्या बताया गया था, हीट वेव। हीट वेव का मतलब ये होता है कि गर्म हवाएं जो चली जिसके कारण गेहूं की फसल थी जो मतलब सामान्य तरीके से पकनी चाहिए वैसे नहीं पकी और वो शीघ्रता से पक गई, जिससे क्या हुआ उसके दाने जो थे दानों में सिकुड़न उत्पन्न हुई और उसमें उत्पादन में कमी देखने को मिली। तो इस प्रकार से यदि टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो फसल को नुकसान होता है, और टेम्परेचर यदि लो हो जाता है तब भी फसल को नुकसान होता है। और रबी की क्रॉप जो होती हैं इनके लिए जो अनुकूलतम तापक्रम होता है वो 16 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वे रोग जिनका पशुओं से मानव से पशुओं में संचार होता है कहलाता है संसर्गजन्य रोग, जियोन्टिक्स रोग, संक्रामक रोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें इसका आंसर क्या होगा, जियोन्टिक्स रोग जो होते हैं ये पशुओं से मानव में और मानव से पशुओं में इनका संचार होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे दूध में 2 लाख प्रति ml से कम जीवाणु दूध की क्वालिटी को प्रदर्शित करते हैं, बहुत अच्छा, अच्छा, संतोषजनक या खराब, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। टीएसटी में पूछा गया क्वेश्चन है, जी हाँ बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा अच्छा। यदि कच्चे दूध में 2 लाख प्रति ml से कम जीवाणु हैं तो इस दूध की क्वालिटी जो होगी क्या होगी, वो अच्छी होगी यानी कि गुड क्वालिटी का मिल्क होगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा बी, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंडारित हे में नमी की प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए 15%, 22%, 25% या 28%, तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें जो हे होता है, जो हे होता है दोस्तों इसमें हरे चारे को इस प्रकार से सुखाया जाता है कि इसमें उसकी गुणवत्ता बनी रहे। ठीक है, तो इसमें जब नमी सुखाकर जब इसको रखा जाता है, यदि नमी की मात्रा 15 से 20% है, 15 से 20%, तब तक तो हे एक अच्छा हे माना जाता है। लेकिन यही नमी की मात्रा यदि 20% से अधिक हो जाती है तब हे में क्या उत्पन्न हो जाती है, सड़न उत्पन्न हो जाती है। यदि 20% से अधिक नमी की मात्रा हे में उपस्थित है तो हे में सड़न उत्पन्न हो जाएगी, और वहीं पर अगर 15% से कम नमी की मात्रा है तो हे में जो प्रोटीन है, कैरोटीन है, इनका ह्रास उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए हे को भंडारित करते समय इसमें जो नमी यानी मॉइस्चर जो रखा जाता है वो कितना होना चाहिए, 15 से 20% होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15%, क्या हो जाएगा दोस्तों 15%। सूक्ष्म भोज्य पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, गंधक, जस्ता, मैग्नीज, कॉपर, आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा डी, जस्ता है, मैग्नीज है, कॉपर, ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जबकि एनपीके जो है ये मुख्य पोषक तत्व है।
मुख्य पोषक तत्व, ये गौण पोषक तत्व हैं सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स, गौण पोषक कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। यहाँ पे फास्फोरस दे दिया गया इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो इसका राइट आंसर होगा जस्ता मैग्नीज कापर। ये क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो पौधों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन सा नॉन सिम्बायोटिक जीवाणु है, एजोस्पाइरम, एजेटोबैक्टर, एस्टोबैक्टर, बी और सी दोनों। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो जीवाणु होते हैं दोस्तों ये कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक और एक होते हैं एसोसिएट यानी कि सहचर। तो इसमें से पूछा गया है कि इसमें से नॉन सिम्बायोटिक जीवाणु कौन सा है, तो एजेटोबैक्टर और एस्टोबैक्टर ये दोनों ही नॉन सिम्बायोटिक जीवाणु हैं। कैसे हैं, नॉन सिम्बायोटिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नॉन सिम्बायोटिक जीवाणु मतलब वे जीवाणु होते हैं इन्हीं को दोस्तों असिम्बायोटिक असिम्बायोटिक या फ्री लिविंग बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। इसमें से एजेटोबैक्टर जो है दोस्तों ये एजेटोबैक्टर जो है ये वायवी एरोबिक वायवी जीवाणु है। कैसा जीवाणु दोस्तों, वायवी जीवाणु है। और इसका प्रयोग किस प्रकार के कौन सी फसलों में किया जाता है, इसका प्रयोग दोस्तों कपास, गेहूं और जौ तथा सब्जियों में इसका प्रयोग किया जाता है एजेटोबैक्टर का। वहीं पे एसिटोबैक्टर की बात कर लें, ये भी एक वायवीय जीवाणु है एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर ये भी एक वायवीय जीवाणु है और नॉन सिम्बायोटिक है। इसका प्रयोग गन्ने की फसल में किया जाता है। वहीं पे एक और जीवाणु होता है दोस्तों क्लास्ट्रिडियम। क्या होता है, क्लास्ट्रिडियम, क्लास्ट्रिडियम, क्लास्ट्रिडियम जीवाणु जो होता है ये अवायवीय है यानी एन एरोबिक अवायवीय एनरोबिक जीवाणु है और इसका प्रयोग मुख्यतः चावल में किया जाता है। किसमें प्रयोग, चावल में। ठीक है, तो इसमें तीन कैटेगरी थी, फ्री लिविंग, नॉन सिम्बायोटिक या असिम्बायोटिक जीवाणु की। एक था एजेटोबैक्टर, एक था एस्टोबैक्टर, एक क्लास्ट्रिडियम, जिसमें से एजेटोबैक्टर एस्टोबैक्टर ये वायवीय जीवाणु थे और क्लास्ट्रिडियम जो क्लास्ट्रिडियम था वो अवायवीय जीवाणु था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। और एसोसिएटिव जो बैक्टीरिया होता है उसमें कौन सा रखा गया है, एजो स्प्रेलम। ठीक है, और सहजीवी जीवाणु की बात कर लें तो उसमें है राइजोबियम। ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपर्दित मृदा में किस फसल की खेती अधिक लाभदायक होती है, अनाज वाली फसलें, तिलहनी फसलें, दलहनी फसलें या इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दलहनी फसलें। जिस मृदा में दोस्तों अपरदन अधिक होता है यानी कि सॉइल एरोजन अधिक होता है वहां पर दलहनी फसलों की खेती की जाती है, क्योंकि इनकी जड़ें जो होती हैं और इनके जो तने होते हैं वो मृदा के कटाव की रक्षा करते हैं, जिससे कि सॉइल एरोजन जो होता है वो कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे गेहूं की फसल है दोस्तों, जौ की फसल है और चारे वाली जो फसलें हैं ये भी मृदा की रक्षा करती हैं यानी कि मृदा कटाव को बचाती हैं। इस प्रकार से ये सॉइल एरोजन को कम करती हैं। तो इसमें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दलहनी फसलें, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार बीज तैयार किया जाता है नाभिकीय बीज से, प्रजनक बीज से, पंजीकृत बीज से, प्रमाणित बीज से। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा प्रजनक बीज।
आधार बीज जो हैं ये फाउंडेशन बीज से तैयार, आधार बीज जो हैं दोस्तों ये ब्रीडर सीड से तैयार, फाउंडेशन सीड जो हैं ये ब्रीडर सीड से तैयार किए जाते हैं। और वहीं पे रजिस्टर्ड जो सीड होते हैं, रजिस्टर्ड सीड फाउंडेशन सीड से तैयार किए जाते हैं। वहीं पे जो सर्टिफाइड यानी कि प्रमाणित बीज होते हैं ये रजिस्टर्ड बीज से तैयार किए जाते हैं। यानी कि सबसे ऊपर क्या होगा इसमें दोस्तों, ब्रीडर से नीचे क्या होगा फाउंडेशन, क्योंकि ब्रीडर से निकले हैं फाउंडेशन, फाउंडेशन से नीचे क्या होगा रजिस्टर्ड, और रजिस्टर्ड से नीचे क्या होगा सर्टिफाइड, सर्टिफाइड, और सबसे ऊपर कौन होते हैं न्यूक्लियर। न्यूक्लियर सीड, ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे सबसे ऊपर कौन होगा न्यूक्लियर, न्यूक्लियर से ब्रीडर तैयार किए जाते हैं, ब्रीडर से फाउंडेशन, और फाउंडेशन से रजिस्टर्ड, रजिस्टर से सर्टिफाइड सीड तैयार किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रजनक बीज यानी कि ब्रीडर सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दियारा भूमि क्षेत्र होते हैं समुद्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, नहर के दोनों किनारे वाले क्षेत्र, नदी के किनारे वाले क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, नदी के किनारे वाले क्षेत्र जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है, नदियां जो होती हैं अपना मार्ग बदलती रहती हैं, और उनका कुछ भाग ऐसा होता है जो छूट जाता है जब बाढ़ आती है, तो कुछ भाग छूट जाता है, अगले वर्ष वो क्षेत्र दोबारा फिर बाढ़ग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार से जो क्षेत्र नदियों के द्वारा बाढ़ के बाद छोड़ दिया जाता है, उन क्षेत्रों में जो दोस्तों खेती की जाती है उसी को दियारा भूमि के नाम से जाना जाता है। दियारा भूमि में दोस्तों मुख्य रूप से जो क्रॉप होती हैं उसके अंतर्गत कुकुरबिटेसी कुल की जो विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं ये तैयार की जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ककड़ी की खेती है, खीरे की खेती है, आप लोगों ने नदियों किनारे अक्सर होते हुए देखी होगी। ये जो खेती होती है दियारा लैंड पे ही की जाती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दियारा लैंड क्या होता है, वो क्षेत्र नदियों किनारे का वो क्षेत्र जिनमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और बाढ़ के बाद वो क्षेत्र छोड़ दिया जाता है, उसमें जो खेती की जाती है वो दियारा लैंड के अंतर्गत ही खेती की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नदी किनारे वाले क्षेत्र जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है, बलुई दोमट, सिल्टी दोमट, दोमट या किले दोमट। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा सिल्टी दोमट। क्या होगा, सिल्टी दोमट। सिल्टी दोमट होती है, इसकी जल धारण क्षमता जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। सिल्टी दोमट की जल धारण क्षमता ग्यारह दशमलव 9% होती है। वहीं पर बलुई दोमट की बात कर लें, बलुई दोमट 7.9% होती है, और दोमट भूमि की बात कर लें तो ये 11.3% होती है। इसके अतिरिक्त किले दोमट जो होती है उसकी भी जल धारण क्षमता 11.3% के करीब में होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी है, सिल्टी दोमट की जल धारण क्षमता जो कि 11.9 के करीब है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आवरण फसलें कौन सी हैं, प्याज, अलसी, लहसुन, लोबिया। आवरण फसलें यानी कि कवर क्रॉप, ऐसी फसलें जो मृदा अपरदन को रोकने के लिए उगाई जाती हैं उन्हीं को कवर क्रॉप के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत जो फसल है दोस्तों वो कौन सी है, लोबिया। लोबिया जो होती है वो
मृदा क्षरण को रोकने में बहुत सहायक होती है, क्योंकि इसके तने जो होते हैं वो मृदा पर काफ़ी फैल जाते हैं। इस प्रकार से ये वर्षा के द्वारा या हवा के द्वारा होने वाले मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करती है, और यही क्रॉप जो होती हैं वो कवर क्रॉप यानी कि आवरण क्रॉप के नाम से जानी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोबिया। मृदा जिसमें उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा 250 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है उसे इस वर्ग में रखते हैं, अधिक न्यून, न्यून, मध्यम या उच्च। दोस्तों आइए हम बताते हैं आप लोगों को कि मृदाएं हैं, मृदा में किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। देखिए एक तो मृदा होती है जिसमें न्यून, एक होती है मध्यम, एक होती है उच्च, ठीक है। वो मृदाएं जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 280 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम होती है, 280 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम होती है, वो मृदाएं न्यून यानी कि अल्प मृदा श्रेणी के अंतर्गत रखी गई हैं। मध्यम के अंतर्गत 280 किलोग्राम से प्रति हेक्टेयर से 560 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती है वो मध्यम श्रेणी के अंतर्गत रखी गई हैं। वहीं पे 560 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक वाली मृदाएं जिनमें 560 किलोग्राम से अधिक प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है उनको उच्च श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें 250 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बात की गई है जो कि किसके अंतर्गत आती है, मध्यम के अंतर्गत आती है। इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी, मध्यम वर्ग के अंतर्गत आएगी 250 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर वाली मृदा। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सा उर्वरक एमाइड रूप में नत्रजन मिश्रित होता है, अमोनियम सल्फर नाइट्रेट, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम क्लोराइड। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा यूरिया। यूरिया ही एक ऐसा उर्वरक है दोस्तों जिसमें नत्रजन जो होती है वो एमाइड रूप में पाई जाती है। यूरिया में नत्रजन की मात्रा जो होती है वो 46% होती है, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, और ये कार्बनिक उर्वरक है। सूखे की दशा में पेड़ों की पत्तियों तथा झाड़ियों को गौवंश को खिलाया जाता है सूखे की दशा में। यहाँ पे सूखी लिख गया है दोस्तों, सूखे की दशा में पेड़ों की पत्तियों तथा झाड़ियों को गौवंश को खिलाया जाता है, इन चारों को कहा जाता है रक्षित चारे, सूखे चारे, रसीले चारे, आपातकालीन चारे। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि गाय भैंस को क्या खिलाया जाता है दोस्तों, मुख्य रूप से भूसा है, हरी घास है इत्यादि को खिलाया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि ये उपलब्ध नहीं हो पाती है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जब किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पर जो खेत होते हैं वो पूर्णतः डूब जाते हैं, जिससे कि घास चारा इत्यादि अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो उस आपातकालीन स्थिति में जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों को पौधों को खिलाया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, आपातकालीन चारा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी यानी कि आपातकालीन चारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 400 किलोग्राम भार वाली गाय को प्रतिदिन कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए, 400 किलोग्राम भार वाली गाय को प्रतिदिन कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए, 12 किलोग्राम, 8 किलोग्राम, 10 किलोग्राम या 6 किलोग्राम। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आइए दोस्तों हम बताते हैं सामान्यतः क्या होता है पशुओं को कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए, जिसके अंतर्गत हरा चारा होता है और हे भी होता है। इसकी मात्रा रखी गई है 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ
प्रति 100 किलोग्राम शारीरिक भार पर। तो यहाँ पे 400 किलोग्राम की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 किलोग्राम इंटू 400 किलोग्राम और नीचे क्या हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 2500 को 100, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा यानी कि 10 किलोग्राम। राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 किलोग्राम। 100 किलोग्राम शारीरिक भार पर 2.5 किलोग्राम स्वस्थ पदार्थ दिया जाता है, तो 400 किलोग्राम पर कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी यानी कि 10 किलोग्राम। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हिरण के नवजात बच्चे को क्या कहते हैं? दोस्तों ये आप लोग लिए आज का क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे और आप लोगों को पूरा नाम लिख के कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, सी बी डी करके जवाब आप लोग नहीं देंगे, ठीक है। तो यदि आज का सेशन दोस्तों आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो दोस्तों आज के सेशन में यहीं तक, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।